ये आपके सामाजिक विषय की क्लास है और हम लोग इसके इतिहास खंड से, जिसका बुक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, के प्रथम पार्ट इस्लाम का भारत में आगमन, हम लोग पिछले वीडियो में इसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। आज इसी के आगे हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है बच्चों, हम लोगों ने पिछला पढ़ा था जो आपका, वो था सूफी संत जो भारत में आए, फिर भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से कहाँ सीखा था। यहाँ पे हमारा लेसन हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था। अब उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है तुर्क आक्रमण के समय भारत की भारत कैसा था। तो बच्चों, उस समय उत्तर भारत में इस्लाम का के आक्रमण के समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा राज्य करते थे या सामंत शासन करते थे, और इनमें से अधिकांशतः राजपूत थे। इसीलिए इस युग को राजपूतों का युग भी कहा गया बच्चों। इस समय बच्चों जो समाज की स्थिति थी वो जाति पाति भेदभाव से भरे हुए थे, और इस समय जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी। भारतीय समाज अपने खान पान व आचार विचार को बहुत श्रेष्ठ मानती थी। उसने कभी दूसरे देशों की सभ्यता और रीति रिवाज को देखने का सोचा ही नहीं। फिर बच्चों, आपका एक सेकेंड पॉइंट है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के समय भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे, हम लोगों ने अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया, और उत्तर भारत में चौहान, तोमर, चंदेल और चालुक्य जैसे बहुत सारे राजपूत वंशों का राज्य था। इसी समय तुर्कों का राज्य क्या था, ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान था। ये भारत में अपना राज्य फैलाने के उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो आता है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। बच्चों, महमूद गजनवी, चूंकि वो गजनी राज्य से था इसलिए उसको महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का शासक था, और चूंकि यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या जो खलीफा होते थे उनके साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ राज्य था, इसलिए इनके शासक सुल्तान कहलाए, या इन राज्यों को सल्तनत और या सुल्तनत भी कहा जाता है। जो ये तुर्क लोग थे, इनका एक जो बड़ा हमला हुआ वो इसी गजनी राज्य के जो राजा था महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किया गया। वह भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। उसका क्या उद्देश्य था बच्चों, आइए हम बताएं आपको। वह ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान क्षेत्र के दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाना चाहता था, और जिसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, और अगर इस विशाल सेना को बनाने के लिए उसे बच्चों धन की आवश्यकता थी। तो वो धन के लालच में ही उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया और कई राजाओं को हराकर उनके धन पर, उनके पैसों पर, उनके खजाने पर उसने अपना कब्जा कर लिया। बच्चों, उसने कई भारतीय मंदिरों और बौद्ध मठों को भी तोड़ा और लूटा, क्योंकि उस समय बच्चों मंदिरों और मठों में धन इकट्ठा करके रखा जाता था, और कभी कभी किसी देश का या राज्य का राजा भी मंदिरों में अपने राज्य का खजाना या राजकोष रखते थे। बच्चों, हम लोगों ने सुना होगा केरल के पद्मनाभम मंदिर का नाम। इसमें बहुत बीच में ये चर्चा का विषय बना ये मंदिर, कि इसमें बहुत खजाना है, इसमें 7 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से समुद्र के लहरों की आवाज़ आती है, और इसमें बहुत खजाना भरा हुआ है। तो बच्चों, ये इसी तरह की, चूंकि ये अफवाह निराधार नहीं है, चूंकि उस समय मंदिरों में खजाने रखे जाते थे, इसलिए ये कहा जाता है कि इस मंदिर में भी खजाना है।
चलिए बच्चों, हम इसको, इस कहानी को यहीं आगे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो महमूद गजनवी था, इसने धन के लालच पर हमारे भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। इसने मंदिरों मठों को तोड़ा और लूटा। उसी क्रम में इसने सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसने 1025 में। ये बड़ा प्रसिद्ध आक्रमण था इसका और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर बच्चों गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं ना बच्चों, उसमें से एक है। और इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। अब आता है बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अल बरूनी की दृष्टि में भारत। बच्चों अल बरूनी मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध विद्वान था। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा, जो मध्य एशिया में आता है, वहाँ हुआ था। और यह महमूद गजनवी के समय का ही था, उसका समकालीन था। तो और अल बरूनी भारत आया, तो जब वो भारत आया तो उसने यहाँ की संस्कृत भाषा का, भारतीय दर्शन का, भारतीय ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। और 11वीं शताब्दी में भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसा था, यानी भारत का समाज कैसा था, यहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, यहाँ का खान पान कैसा था, यहाँ के लोगों के विचार कैसे थे, इसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में बहुत विस्तार से किया। आइए बच्चों, इसके पुस्तक का कुछ अंश हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में क्या क्या लिखा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, उसने लिखा कि विदेशियों के प्रति भारत के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से ये उन्हें मलेच्छ कहते थे। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट था, भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। तीसरा क्या था, दूसरा बच्चों पहले हम समझ ले पारंपरिक व्यवसाय क्या होता है। पारंपरिक व्यवसाय मतलब पिता जो व्यवसाय करता है उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करे, फिर उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि एक धोबी है जो कपड़े धुलता है, प्रेस करता है, फिर उसका पुत्र भी इसी व्यवसाय को, यानी कपड़े धुलने और प्रेस करने का व्यवसाय अपनाए, फिर उसका पुत्र भी इसी व्यवसाय को अपनाए, तो इसे पारंपरिक व्यवसाय कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। जो अल बरूनी ने तीसरा पॉइंट लिखा, कहा कि यानी वहाँ सब लोग अलग अलग थालियों में खाना खाते थे। ठीक है बच्चों, फिर चौथा पॉइंट क्या लिखा अल बरूनी ने, भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हम लोग शगुन अपशगुन बहुत करते हैं ना बच्चों, तो ये अल बरूनी ने भी लिखा अपनी पुस्तक में। फिर पांचवा पॉइंट है, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है जो अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, और वही सर्वशक्तिमान है। वो सर्वज्ञ भी है और वो सबसे बुद्धिमान भी है। वो जीवंत है और ईश्वर जीवन दाता भी है, और वही हमारा शासक भी है। फिर उसने क्या लिखा बच्चों, छठा पॉइंट, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। सातवां उसने क्या लिखा अपनी पुस्तक में बच्चों, भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में जो लिखा गया है, जो पारंपरिक विचार है, उसे ही भारतीयों ने मान्यता दी या उसे ही माना है। बस बच्चों आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आपका जो हम लोगों ने पाठ का जितना अंश पढ़ा है, उसी अंश से एक
होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न सुन लीजिए, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? ठीक है बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।